हल्द्वानी के बन फूलपुरा में हुई हिंसा के बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा दो सदस्यीय टीम के साथ हल्द्वानी पहुंचे। अपने दौरे के पहले उन्होंने बन फूलपुरा के दंगा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और बन फूलपुरा क्षेत्र में लोगों को मिलकर उनका हालचाल जाना। इसके बाद सर्किट हाउस काठ गोदाम पहुंचे, अधिकारियों के साथ बैठक की और इस पूरे घटनाक्रम की अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। बैठक में डीएम एसएसपी के साथ ही कई अधिकारी मौजूद रहे। अब वो बन फूलपुरा के लोगों के साथ बैठक कर उनसे भी बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि बीते 8 फरवरी को बन फूलपुरा स्थित मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने के दौरान पथराव, आगजनी और फिर हिंसा हुई थी, जिसमें बन फूलपुरा थाने को जलाने का प्रयास किया गया था। इस घटना में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। अभी बहुत सारे लोगों से बात करनी बाकी है। लोग माइनॉरिटीज़ के मन से डर, भय और इनइक्वालिटी की भावना खत्म हो, डिस्क्रिमिनेशन की भावना खत्म हो, इसके लिए माइनॉरिटी कमीशन काम करता है। भारत में माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा सेफ है। ये देश है जहां 51 से लेके आज तक माइनॉरिटी पॉपुलेशन बढ़ी है। हर जगह माइनॉरिटी को मौका मिलता है। हम राष्ट्रपति भी बनते हैं, प्रधानमंत्री भी बनते हैं। ये ऐसा देश है, अगर कोई आदमी डिज़र्व करता है तो उसको उसका स्थान मिलता है। इसके मुकाबले में आप पाकिस्तान देखिए, वहाँ 22% माइनॉरिटी थी, आज 4% रह गई। बांग्लादेश का भी यही हाल है, यही हाल अफगानिस्तान का है। लेकिन किसी न किसी जगह कोई ना कोई इंडिविजुअल इंसिडेंट हो जाता है। जैसे अमेरिका जैसे भी जो डेवलप कंट्री है, वहाँ पिछले 2 साल में सिखों के ख़िलाफ़ 218 केसेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के हुए। तो ये झगड़ा यहाँ हुआ, कुछ लोगों की जान गई, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। आगे के लिए ना हो उसका क्या रास्ता निकलना चाहिए। हमने डीएम साहब से भी बात की है, एसपी साहब से भी बात की है। बड़े इंटेलिजेंट अफसर हैं, अच्छे अफसर हैं, इसको समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम भी इन सभी लोगों को मिलने के बाद जो इसको शांत करने के लिए होगा, ऐसी बातचीत हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री साहब से बात करेंगे। हल्द्वानी से कुमाऊं के कई शहरों के लिए आज से हवाई सेवाएं शुरू हो गई है। गोलापार हेलीपैड से चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनसारी के लिए आज से उड़ान सेवा के अंतर्गत हवाई सेवा शुरू हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल रूप से इस हवाई सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान लालकुआ विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट सहित कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी भी मौजूद रहे। हवाई सेवा संचालन करने वाली हेरिटेज एविएशन के मुताबिक 7 सीटर हेलीकॉप्टर प्रतिदिन 2 उड़ानें हल्द्वानी से शुरू करेगा, जिसमें हल्द्वानी से चंपावत का किराया 2,500 रुपये, हल्द्वानी से पिथौरागढ़ का 3,000 रुपये और हल्द्वानी से मुनसारी का किराया 3,500 रुपये रखा गया है। हेली सेवा के शुरू होने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ये पर्यटकों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, सरलता और सुगमता है। जहाँ 10 घंटे का रन होता था टैक्सी के द्वारा और काफ़ी उबड़ खाबड़ रोड होती है वहाँ पे, इसे हेली से हम लोग 1 घंटे में पहुँच जाएंगे और प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पे सुरम्य क्षेत्र है, सारा संसार एक मुंशियार कहलाता है और मिनी कश्मीर भी कहलाता है पिथौरागढ़ को। तो पिथौरागढ़ के सीमांत जनपद के जो ये हेली सेवा शुरू की है, मैं सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम भरत सिंह रावत है। ठीक है, देखिए हेरिटेज एविएशन द्वारा अभी हल्द्वानी से मुंशियारी, पिथौरागढ़ और चंपावत के लिए जो ये हेली सेवा शुरू की गई है, इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ की जो हमारे पहाड़ी जिलों की आर्थिकी है उनमें सुधार होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो इसका जो एक महत्वपूर्ण फीचर जो इसका हो रहेगा, जो पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में कई बार आपदा की स्थिति हो जाती है, कई बार बड़ी दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, उसमें तुरंत राहत देने के लिए मैंने अपने संबोधन में भी इस बात को कहा था कि ये हवाई सेवा नहीं है, ये तो जीवनदायन, ये जीवन देने वाली सेवा है। ये लोगों को जीवन देगी, नया जीवन देगी और कई लोगों का जीवन इससे बचेगा और न केवल यात्रा सुगम होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हमारे क्षेत्र में चूंकि पार्किंग की व्यवस्था अभी कम है, उसका विस्तार हम लोग लगातार कर रहे हैं। सड़कें कई जगह पर सिंगल लेन है, उनको भी हम डबल लेन करने की कोशिश कर रहे हैं।